अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर व्लॉग कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और तंदुरुस्त ही रखे जी और जी आज का जो मेरा व्लॉग है वो है ईद का और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है लेकिन मैंने ना ये आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करना था क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि हमारी ईद कैसी गुजरी और कौन से मैंने कपड़े पहने थे ये भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं था किया हुआ आज का जो व्लॉग है ना इसके अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थर्ड डे ईद का और जो फ़र्स्ट और सेकंड डे था ना ईद का वो हमने नहीं मनाया क्योंकि हम सब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था और मेरी कुछ ज़्यादा ही हो गई थी तबीयत खराब तो हॉस्पिटल भी जाना पड़ा तो फर्स्ट डे ईद का हमने हॉस्पिटल में मनाया तो जी अब मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ठीक है इसलिए तो मैं वॉइस ओवर गा रही हूँ सुकून से नहीं तो उस दिन मैं इसे बोला ही नहीं था जा रहा और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी हमारी तो हमने फर्स्ट और सेकंड डे बिल्कुल भी नहीं मनाया और थर्ड डे पे मैं हम रेडी हुए थे हम सब रेडी हुए थे थर्ड डे पे अच्छा ये तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इतनी अच्छी मेहंदी जो हमने लगाई थी ना उसका कलर सब कट हुई थी तो हमें ओलंपिक गेम्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप नहीं ना देखते तो हम भी देखा करें बड़ा मज़ा आता है ऐसी गेम्स देखने का और बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं हर रोज़ देखती हूँ अब वो स्टार्ट हुई हुई हैं तो हर रोज़ लगती हैं लाइव दिखाते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जी यहाँ पर मैं भी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने दो कबाब लिए थे लंच में और सारा दिन यकीन करें मैंने सिर्फ ये दो कबाब खाए थे और मेरा और कुछ खाने को भी दिल नहीं था बेशक मेरी तबीयत कुछ ठीक हो चुकी थी लेकिन मैंने सारा दिन कुछ और खाया ही नहीं ना हमसे खाया नहीं था जा रहा और जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना आउटफिट और हमने जी पहना था वाइट फ्रॉक और ये वाइट फ्रॉक मैं आपको बता दूं कि मामा ने सिया है और मामा ने इतना अच्छा सिया मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था और साथ हमने मामा को कहा हुआ था कि हमने इस तरह का कलरफुल जो दबट्टा होता है वो लेना है तो मामा ने कहा कि इसे चुनेरी का दुबट्टा कहते हैं तो ये चुनेरी का दबट्टा मामा से हमने कह कह करना मंगवा ही लिया मामा ने ना बहुत ज़्यादा इसे ढूँढा तो एक शॉप से मिल ही गया था तो हमें भी वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था और साथ हमने जी पहनी अपनी हाई हील्स और ये हाई हील्स से हमसे चला ही नहीं था ज़्यादा <laughs> लेकिन मैंने फिर भी पहन ली थी क्योंकि आउटफिट पूरा करना होता है ना तो फिर आउटफिट पूरा हो तो फिर बंदा ऐसी वीडियो बनाता है ना अच्छा ये तो यहाँ पे मेरी बहन का भी आउटफिट देख लें इसने भी मामा से फ्रॉक सिलवाया है वाइट और सेम मेरी तरह का दुपट्टा है बस थोड़े से कलर्स डिफरेंट हैं और वैसे भी ना इससे मेरी कॉपी करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है तो सारी कॉपी करती है मुझे तो मैंने कहा मम्मा को कि मुझे इस तरह का फ्रॉक चाहिए तो उसने भी कहा मुझे भी फ़्रॉक ही चाहिए तो इसने भी फ़्रॉक बनवा लिया और जी उसने भी हाई हील्स पहनी थी वाइट कलर की और ये वाइट कलर की इसने आउट ए, हील्स ना ली थी पाकिस्तान से इसलिए इतनी चमकने वाली है यहाँ पर इतनी चमकने वाली हाई हील्स नहीं होती अच्छा जी तो रात को हमने बनाया था जी बारबी क्यूब और इस बारबी क्यूब में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था रात के वक्त मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी थी और मैंने इतना ज़्यादा खाया नहीं मतलब रोटी नहीं खाई इतनी ज़्यादा जितना मैंने ऐसे बारहबी क्यूब थोड़ा बहुत खा लिया था और वैसे भी बारहवीं क्यूब मेरा फेवरेट है तो हो नहीं सकता था मैं खाती ना तो जी यहाँ पर हम बारहबी क्यूब बना रहे हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था रात को वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ ग्रीस में और दोपहर के वक्त तो बाहर निकला ही ना जाता दिल करता है बस अंदर चले जाएं और एसी ऑन कर लें और बस कमरे में बैठ जाए और बाहर आए ही ना और बहुत ज़्यादा जी मज़ा आया हमें बारबेक्यू करते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी सारा दिन नहीं चली और रात को चलने लग गई थी तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अच्छा ये तो बारबेक्यू बनाने का तरीका ना मैं आपको किसी और दिन बताऊँगी क्योंकि इस दफ़ा तो मैं आपको बता नहीं सकी क्योंकि हमने इनको मसाले ना एक दिन पहले लगा दिए हुए थे और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था रहा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मैंने आपको बता दिया है हज़ार दफ़ा बताऊँगी मैं पागलों की धरम मैं आपको बताई जा रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब थी तबीयत खराब थी क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा सोचा सोचा हुआ था कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी ये वीडियो शेयर करूँगी ब उसमें से कुछ भी नहीं हुआ मैंने ना सोचा हुआ था आपके साथ मेकअप की भी ना मैं वीडियो शेयर करती लेकिन वो भी नहीं हुआ चलिए कोई बात नहीं किसी और दिन मैं आपके साथ अपना मेकअप भी शेयर कर लूँगी और जो बाकी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो भी कर लूँगी और यहाँ पर अभी हमने बारबिक होने के लिए रख दिए हैं और इसे हम ना ऊपर रखते हैं थोड़ा हाई करके आस्ते आते स्लो स्लो से उतारें कच्चा ना रहे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इससे लो हीट पर काफ़ी टाइम रखते हैं हम एक घंटा मेरे यहाँ से हमने इसे ना कुक होने के लिए रखा था ऊपर और इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी कि जो हमने अपने बर्ड्स रखे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे अच्छा तो जब भी हम बारहबीक्यू बनाते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम बाहर बैठ कर खाएँ गरम गर्म तो आज भी हम डिनर बाहर ही करेंगे और हमारे जो दो भाई हैं ना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाहर बैठ के खाना तो उन्हें डांट भी पड़ी कि अंदर ना जाओ और हमारे साथ बैठ के खाओ तो पापा ने डांटा तो फिर वो बाहर बैठ ही गए नहीं तो उन्हें गेम्स का परा होता है गेम्स बहुत ज़्यादा वो खेलते हैं और खासकर तो अब स्कूल भी बंद है तो इसकी वजह से वो उनके पास टाइम भी भरा है वो गेम्स 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 और बस गेम्स अच्छा ये तो यहाँ पे जब हमारा बारबी क्यूब रेडी हो रहा होता है ना तो हम साथ साथ ऐड करते हैं इसके ऊपर ऑयल आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन अवॉइड किया करें कि ऑलिव ऑयल इस तरह यूज़ ना किया करें हम उससे ना खानों में यूज़ करते हैं जब मामा कोई सालन बनाती हैं तब वैसे हम ऑयल ही लगाते हैं बारबी क्यूब के ऊपर और या किसी चीज़ को फ्राई करना हो तो हम ऑयल ही यूज़ करते हैं अच्छा तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे भाई गेम्स ही खेल रहे हैं उन्हें बाहर आके भी गेम्स का ही है अच्छा तो यहाँ पे हमारा बारहवीं हो गया रेडी और इसके साथ हमने बनाई थी चटनी पुदीने और धनिए की और साथ ग्रीन चिली हम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आया चटनी का भी और हमारे घर में जो पुदीना लगा हुआ था ना हमने जो अपने घर में लगाया हुआ था वो बेचारा जल गया इतनी सहद गर्मी है कि वो सारा का सारा जल गया मैं आपको दिखाऊँगी अभी भी उसका ना बाहरी पौधा रखा हुआ हमने साथ हमने ना रोटियाँ नहीं थी बनाई हमने बना लिए थे पिते मतलब पितों को हमने गर्म कर लिया था मैं तो इसे पिते बोलती हूँ और पाकिस्तान में, में मेरे हाथी से नान बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार आते हैं एक बाज़ार से हम लेकर आते हैं फ़्रेश तो पापा लेकर आए थे तो हमने उनको ही गर्म कर लिया ऑलिव ऑयल लगा के अच्छा तो यहाँ पर हम खाने लगे रात का खाना और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ था काफ़ी अच्छे मसाले लगे हुए थे चिकन को हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया अच्छा ये तो यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए अला हाफिज़